बटन्स वगैरह यहाँ पर हैं, ये काफी अच्छा फील दे रहे हैं। इधर से हमारा अप डाउन होता है, ये रूफ। स्टीयरिंग व्हील में काफी फंक्शंस दे रखे हैं इन्होंने, मगर ये ग्लासेस ऊपर है ना, तो इसकी वजह से काफी मजा आ रहा है चलाने में। इधर फिक्स हुआ और ये बंद। चले स्टार्ट करते हैं नई वीडियो। आज मैं आपको दिखा रहा हूं मिनी कूपर कैब्रियोले वर्जन पेट्रोल, और इसका एक्सपीरियंस देखता हूं मैं, क्योंकि मिनी अभी तक हमने ट्राई नहीं करी है कभी, तो मिनी का एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा है और कैसा रहता है। चले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करता हूं, उसके बाद जो है ना इसका रूफ दिखाता हूं आपको कैसा ऑन ऑफ होता है। अभी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से और राइड लेते हैं छोटी सी। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके सुके सुके। इधर जो है हमारे पास ये ऐसा ऑप्शन आ जाता है, मेन्यू, मैप, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, मीडिया, बैक ऑप्शन, और ये इससे देखते हैं क्या होता है। ये हमारा यहाँ से मेन्यू जो चलता है वो इन बटन से चलता है। वाओ, इस स्क्रीन के लिए देखिए मैं आपको दिखाऊं, सब कुछ राउंड है, ये भी राउंड, मीटर भी राउंड, इधर ये स्क्रीन सामने ये भी राउंड, इधर ये विंडो और डोर ओपन करने का भी राउंड, बाहर साइड मिरर भी राउंड, वो देखिए सामने मिनी खड़ी है उसकी बाहर की हेडलाइट भी राउंड, एसी वेंट्स भी राउंड, इधर सब कुछ राउंड, इधर ऑन ऑफ का बटन ये भी राउंड, सब कुछ इन्होंने राउंड दे रखा है। ये देख रहे हैं इस तक को इन्होंने राउंड दे रखा है, स्पीकर्स राउंड, हर चीज़ इन्होंने बस राउंड शेप अपना थीम सेट कर रखी है और उसी में बनाते हैं ये। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। रिवर्स गियर इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फर्स्ट गियर के बाद जाके लेफ्ट में अंदर जाकर है। बारिश होने लग गई हल्की सी, ये बारिश मौसम खराब करे, इससे पहले हम अपनी राइड ले लेते हैं। गाड़ी जो है ना वाकई में मिनी फील हो रही है कि छोटी गाड़ी है। ये डिस्प्ले इसका बहुत अच्छा लुक दे रही है, उसके अलावा छोटा सा स्टीयरिंग, और फिर ये सामने जो डिस्प्ले है आपकी, ये TFT, ये बिल्कुल एक टच स्क्रीन लग रही है, हालांकि है नहीं, मगर काफ़ी अच्छा जो है वो फील दे रही है, काफ़ी लग्जरी फील दे रही है। बटन्स वगैरह यहाँ पर हैं, ये काफ़ी अच्छा फील दे रहे हैं। इधर से हमारा अप डाउन होता है, ये रूफ। हालांकि ठंड हो रही है और मगर ये ग्लासेस ऊपर है ना, तो इसकी वजह से काफ़ी मज़ा आ रहा चलाने में। मैंने हीटर फुल पे ऑन कर रखा है, तो गर्म गर्म हवा आ रही है और बाहर से इतनी हवा नहीं आ रही है। मिनी कूपर, बल्कि हर एक गाड़ी कैब्रियो जो होती है उसकी जो वेट होता है वो नॉर्मल गाड़ी से, जो अपना रूफ होता है नॉर्मल कवर पूरी गाड़ी जो होती है, उससे ज़्यादा हैवी होती है। इसको ज़्यादा हैवी इसलिए होती है क्योंकि मुझे ही पहले ऐसा लगता था कि जब इसमें रूफ कपड़े का है या फिर कोई और मटेरियल है जो काफ़ी लाइट वेट है, तो उसकी वजह से ये काफ़ी लाइट होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं है। इसको जो है ये थोड़ा सा और बॉडी को मजबूत बनाते हैं, हैवी बनाते हैं, ताकि अगर हम ऐसे ओपन रूफ लेके चले गाड़ी को तो गाड़ी पे जो है फ़र्क ना पड़े, गाड़ी पे जो है लोड ज़्यादा ना आए, उसका जो है परफॉर्मेंस में फ़र्क ना पड़े। बॉडी वेट जो है उससे हमेशा ज़्यादा होता है जो नॉर्मल गाड़ी होती है। अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस एक कन्वर्टिबल गाड़ी के साथ, मगर काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिनी कूपर पेट्रोल इंजन के साथ। सीट्स काफ़ी छोटी है, अगर मैं बात करूँ सीटिंग की तो ये कहने को तो 4 places है, मगर इन रियलिटी अगर देखा जाए तो ये 4 places नहीं कह सकते इसको। अगर पीछे दिखाऊं आपको तो पीछे देखिए सीट कितनी सी है, सिर्फ ये जगह है पीछे, और मेरा तो वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, मैं साइज़ भी मेरा इतना बड़ा नहीं है, मीडियम साइज़ है मेरा, उसके बावजूद ये जो है सीट मुझे छोटी लग रही है। अगर कोई हैवी बंदा बैठता है तो ये गाड़ी उसके लिए बहुत छोटी हो जाएगी। अंदर जो है गाड़ी का स्पेस बहुत कम है, सीट्स जो है इतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं है, मजा नहीं। अगर ये गाड़ी इंजॉयमेंट के लिए लेनी है तो ये ठीक है, मगर अगर कंफर्ट के लिए लेनी है और लॉन्ग टूर्स के लिए लेनी है तो इंजन अच्छा है, काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग हुई हुई है, पावर बहुत अच्छी जनरेट दे रहा है, आउटपुट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। आज मैं आपको इसका वो फील एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि एक मिनी को चलाते में, एक कन्वर्टेबल मिनी को चलाते में आता है,
मैं कोई इंजन स्पेक्स नहीं बताऊंगा आपको, क्या पावर है, कितनी जनरेट कर रहा है, क्या आउटपुट देता है, कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा। मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं सिंपल जो है आपको वो बता रहा हूँ फैक्ट्स, जो कि एक बंदे को गाड़ी खरीदने के बाद फील होता है। लग्जरी फील आ रहा है, बहुत अच्छा फील है, कन्वर्टेबल का भी काफ़ी अच्छा फील आ रहा है, छोटी सी गाड़ी है, किसी भी स्पेस में आप चला सकते हो। थोड़ा सा अगर मैं इसको स्पीड में लेके देखूँ तो काफ़ी अच्छी पावर जनरेट कर रहा है। इंच की ट्यूनिंग बहुत प्यारी लगी मुझे गाड़ी में, बहुत बहुत साइलेंट गाड़ी है, मगर बारिश हो रही है हल्की हल्की, कैबरियो गाड़ी है, सामने रूफ जो है इतना सामने तक है, तो मेरे ऊपर तो बारिश बिल्कुल नहीं आ रही है। पीछे हो सकता है कि थोड़ी बहुत सीट गीली हो जाए क्योंकि बारिश तेज़ नहीं है, मगर गाड़ी चलाने में जो फील आ रहा है वो बहुत मज़ेदार है। ये जो स्क्रीन है सामने, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इधर ये भी बहुत ज़बरदस्त लुक दे रही है, मगर ये मिनी में स्टार्टिंग से चलता हुआ आता है, जब से आप मिनी देख रहे हैं तब से ये स्क्रीन देख रहे हैं। अभी इसमें इन्होंने कुछ फीचर्स जोड़ दिए हैं जो कि एंड्रॉयड के लिए नहीं है, ज़्यादातर एप्पल के लिए हैं। अभी इस गाड़ी में भी जो है मेरे पास एप्पल कारप्ले है मगर एंड्रॉयड नहीं है। इसका टर्न्स देखते हैं, सस्पेंशन वगैरह काफ़ी काफ़ी अच्छा टर्न है। जब आप एजेस पे इसको टर्न कर रहे हैं तो गाड़ी जो है काफ़ी मालूम हो चल रहा है कि हाँ हैवी कार है। बाकी गाड़ी चलाने में जो है ना मज़ा आ रहा है, जो बात है अगर मैं कहूँ कि मैंने एक हैचबैक को या किसी लग्जरी कार को ड्रॉप किया इसके लिए तो इसकी वर्थ है, क्योंकि जो इसका इंटीरियर फील दे रहा है, ये पूरा मटेरियल जो यूज़ हुआ है इसके अंदर काफ़ी अच्छा फील दे रहा है। और इसके अलावा जो स्पॉट पर मैं अभी पहुँचा हूँ, ये जंगल के बीच में, अमेजिंग। स्टेयरिंग व्हील में काफ़ी फंक्शंस दे रखे हैं इन्होंने, हर चीज़ मिल जाती है, क्रूज कंट्रोल, स्पीड लिमिटर, वॉइस कंट्रोल, टेलीफोन कॉल रिसीवर, उसके अलावा इधर का मेन्यू पूरा सेट हो जाता है, इधर सब अप डाउन राइट लेफ्ट सब बटन्स दे रखे हैं। इसके अलावा मेरे पास वॉल्यूम अप डाउन, सामने की स्क्रीन में स्पीड है मेरे पास, टेम्परेचर है, किलोमीटर्स है, ऑटोनोमी है, RPM है, सब कुछ मुझे उसके अंदर दिखा रहा है और सब कुछ काफ़ी अच्छा विजिबल है स्क्रीन में, मतलब आउटस्टैंडिंग लुक दे, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, बिल्कुल साइलेंट गाड़ी। पेट्रोल गाड़ी कैब्रियोले में यूँ अच्छी लगती है क्योंकि शोर नहीं आता इंजन का बिल्कुल भी, बिल्कुल साइलेंट चलती है, बस बाहर से जो हवा है वो आपको लग रही है, और वो भी जब हीटर स्टार्ट किया है मैंने तो बाहर की हवा कम आ रही है, हीटर की ज़्यादा आ रही है, तो उससे भी जो है काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ पे साइड में लगाते हैं, सस्पेंशन काफ़ी स्टेबल है, बहुत ज़्यादा जंपिंग बाउंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है, क्योंकि जब मैंने टर्न लिया और जंप्स में जा रहा हूँ तो गाड़ी जो है काफ़ी अच्छे से उस पर रिस्पॉन्स कर रही है, काफ़ी स्मूथ रिस्पॉन्स दे रही है। अभी छोटा सा मैं आपको इसका बाहर का राउंड कराता हूँ और उसके बाद जो है दोबारा से अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और इसका रूफ दिखाता हूँ आपको मैं कैसे ऑन ऑफ होता है। ये देखे पीछे से ये लुक गाड़ी का कितना ज़बरदस्त है, रेड कलर इसका एवरलास्ट है, कोई कमी नहीं, ये अलॉयस कंपनी फिटेड आते हैं इसमें। मिनी कूपर के लुक्स के बारे में कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब जानते हैं मिनी कूपर स्टार्टिंग से ही यही लुक देता है। और ये इसकी रूफ खुलने के बाद ऐसे पीछे सेट हो जाती है, और यहाँ से अगर मैं एंगल दिखाऊँ आपको तो ये सामने से एंगल आता है गाड़ी का। मैं आपको इसका रूफ बंद करके दिखाता हूँ, देखिए रूफ कैसे बंद होता है इसका। ये देखें इधर से ये बटन मैंने प्रेस किया और ये रूफ आएगा और ये हमारा इधर फिक्स हुआ और ये बंद। अच्छा इसमें ये भी ऑप्शन है कि सिर्फ हम हाफ खोलें, यहाँ से प्रेस करें और जितना एक सनरूफ होता है नॉर्मल कार में सिर्फ उतना अपना खोल के इतना चला सकते हैं अपना गाड़ी को, तो हम अभी इसको इतने ही रखते हैं, थोड़ी सी हमें रोशनी भी आएगी और मज़ा भी आएगा। निकलते हैं वापस,
एंड्रॉइड कंपैटिबल नहीं है ये सिस्टम, इसलिए मैं अपना एंड्रॉइड फ़ोन इससे कनेक्ट नहीं कर सकता डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले शेयरिंग के लिए, मैप्स और जीपीएस वगैरह के लिए। आईओएस सपोर्टिव है तो सिर्फ एप्पल ही इस पर सपोर्ट हो सकता है, उसके अलावा एंड्रॉइड के लिए सिर्फ फ़ोन में ही चलाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है अपने पास। बेल्ट जो है इसकी काफ़ी नीचे है और काफ़ी पीछे है। पीछे का जो एरिया मैंने आपको दिखाया जैसे बहुत छोटा है, आगे की सीट्स भी जो है काफ़ी छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है। मिल जाता है थोड़ा सा इसको बाहर निकालने के लिए, यहाँ ये ऑप्शन, ये पीछे ऐसे लग जाएगा और ये ऐसी बाहर आ जाता है, मगर सीट्स वाकई बहुत छोटी हैं और पीछे देख रहे हैं आप बिल्कुल भी जगह नहीं है। कैब्रियोले चलाने में मज़ा है, मगर जितनी रूफ अभी खुली हुई है इससे जो है हवा आ रही है सीधे मेरे सर पर, और जब मैंने पूरी हवा खोल रखे थे इसको तो हवा मेरे ऊपर नहीं आ रही थी, हवा पास हो रही थी पीछे और ये कवर दे रहा था, और यहाँ से सिर्फ गर्म हवा आ रही थी। तो अभी इसकी हवा भी आ रही है और शोर भी आ रहा है, तो अगर कुछ ऐसा ऑप्शन होता कि यहाँ ग्लास होता फिटेड तो ये और बेटर होता, क्योंकि थोड़ी सी जो है ऐसा इंजॉय करने में मज़ा आता, लेकिन अगर इसको सिर्फ ओपन करते तो ये परेशान कर रहा है। तो हम चलती हुई गाड़ी में इसको बंद करते, ये इसको हमने बंद कर दिया, ये बिल्कुल डार्क हो गया अभी क्योंकि रूफ जो है बिल्कुल इसकी डार्क है, कोई ऑप्शन नहीं है विजिबिलिटी के लिए जब तक इसको खोलेंगे नहीं। तो ये थोड़ा सा मुझे ऑप्शन की कमी लगी इसके अंदर, वरना इसके अलावा गाड़ी का साइज बहुत छोटा है सिर्फ, और गाड़ी में कोई कमी नहीं है। लुक एक नंबर, परफॉर्मेंस एक नंबर, सस्पेंशन बहुत अच्छा, इंजन की ट्यूनिंग बहुत अच्छी लगी, लग्जरी फील जो गाड़ी में है बहुत अच्छा, कंफर्ट इतना अच्छा नहीं है जैसे मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू अपनी कार्स को काफ़ी एग्रेसिव बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, काफ़ी एग्रेसिव लुक देते हैं, काफ़ी शार्प एजेस वगैरह यूज़ करते हैं। मिनी ने जो है हर चीज़ राउंड सर्कल डिज़ाइन में ले रखा है, और उसके बाद जो है ना काफ़ी स्मूथ अपना लुक मेंटेन करा हुआ है, और उसी में जो है मार्केट को बिल्कुल अपना एक डिफरेंट क्राइटेरिया बना रखा है, जो एक डिफरेंट जैसे मैंने बोला फैन बेस है डिफरेंट, बिल्कुल इसका क्लाइंट जो है बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने मर्सिडीज़ क्लास ए चलाई, बीएमडब्ल्यू की भी सीरीज़ वन है, सब है चलाया, मगर जो मज़ा मिनी में चलाने में आ रहा है सस्पेंशन वाइज, स्मूथनेस, इंजन ट्यूनिंग जो मैं बात कर रहा हूँ, स्पेस और कंफर्ट में वो उसमें नहीं था, वो इसमें बहुत डिफरेंट लेवल पर है। इसमें सिर्फ जो शिकायत मुझे है वो है इसके स्पेस की, तो लग्जरी फील को मेंटेन करके रखा हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि छोटी सी गाड़ी अक्सर आप देखते हैं लग्जरी को तो वो या SUVs या फिर सेडान, हैचबैक में मर्सिडीज BMW ये सब कंपटीशन में है, मगर मैं कहूँगा मिनी ने जो अपना क्लास बना रखा है वो एक अलग ही उसका क्राइटेरिया है, उसका एक अलग ही फैन बेस है। फील अच्छा है अगर हम देखें जो मटेरियल वगैरह इसमें यूज़ हुआ है उसका फील अच्छा है, मगर कंफर्ट इतना अच्छा नहीं है। इसको खोल लेता हूँ, नो डाउट गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, बस कंफर्ट एंड स्पेस एक इशू। आओ मिनी के शोरूम में लेके जाता हूँ आपको, यहाँ पे दो मिनी और खड़ी है, एक इसमें इलेक्ट्रिक है सामने ही है और एक जो है इधर ही है नॉर्मल, अपना कैब्रियोले सिर्फ एक है यहाँ पर इनके पास अवेलेबल, उसके अलावा इधर ये सामने इलेक्ट्रिक दो गाड़ियाँ, उधर वो स्पोर्ट्स मॉडल, और ये सारे मॉडल्स